आधी कटोरी गेहूं के आटा से मैंने बनाया है 1 किलो से भी ज़्यादा गुलाब जामुन। बहुत ही स्पंजी, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि कितनी स्पंजी गुलाब जामुन हमारा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही न्यू तरीके से मैंने बनाकर तैयार किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि आखिर हमने ये गुलाब जामुन बनाया कैसे है। बहुत ही स्पंजी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। गुलाब जामुन के सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर बाउल लिया है। बाउल के अंदर आधी कटोरी हम गेहूं के आटा डालेंगे। तो मैंने सिर्फ आधी कटोरी गेहूं के आटा लिया है, और आधी कटोरी में मिल्क पाउडर भी ले लूँगी यहाँ पर। जितना मैंने गेहूं के आटा लिया है उतना ही मिल्क पाउडर लिया है। इससे हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस गुलाब जामुन बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे देसी घी। देसी घी मैंने मेल्ट करके लिया है फ्रेंड्स। तो 2 चम्मच हम डाल देंगे देसी घी, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा, दोगुना बढ़ जाता है देसी घी से। तो ज़रूर से ऐड कीजिए देसी घी। और यहाँ पर हम चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। तो ज़्यादा हमको बेकिंग सोडा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है चुटकी भर। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस थोड़ी सी सामान से आप भी घर पर गुलाब जामुन बड़ी आसानी से बनाकर खा सकते हैं और अपनी फैमिली को खिला सकते हैं, क्योंकि घर पर गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। और घर का गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। मार्केट से भी बहुत ही टेस्टी एकदम ताज़ी गुलाब जामुन बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम दूध डालकर डो बनाएंगे। तो दूध हमको थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है। और दूध को गर्म करने के बाद दूध को मैंने ठंडा कर लिया है, उसके बाद ही मैं डो बना रही हूँ फ्रेंड्स। ऐसा करने से क्या होता है ना कि जब हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो बिल्कुल फटेगा नहीं। अगर गर्म दूध में आप बनाएंगे डो तो फट जाता है फ्राई करते समय में गुलाब जामुन। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातों को जब हम ध्यान रखते हैं ना तो गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा मसल लेना है, और डो एकदम से गीला भी नहीं करना है ना ही टाइट रखना है फ्रेंड्स। अगर अच्छा डो बनकर तैयार होगा गुलाब जामुन का, तो गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा, बिल्कुल चिपटा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि सॉफ्ट और हो जाए हमारा डो। जब तक चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे गुलाब जामुन के लिए। तो यहाँ पर मैंने पतीला रख दिया है गैस पर, गैस को ऑन कर दिया है। और 1.5 कटोरी यहाँ पर पतीले के अंदर मैंने पानी डाल दिया है, और 1.5 कटोरी चीनी भी डाल देंगे। तो मैंने जितना पानी डाला है ना उतना ही चीनी भी डाला है। आप चाहे तो चीनी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मीठे के अनुसार अपने बना सकते हैं चाशनी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चीनी को मेल्ट होने देंगे। तो हमको चिपचिपा सा चाशनी बनाकर तैयार कर लेना है बाकी गुलाब जामुन के जैसे। तो यहाँ पर देखिए चीनी मेल्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे खुशबू और टेस्ट के लिए इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर को भी मिक्स कर लेते हैं, और बहुत ही फटाफट से चाशनी बनके तैयार हो जाता है। हमको कोई तार नहीं बनाना है, सिर्फ चिपचिपा सा चाशनी बनाकर तैयार करना है। तो ये 5 से 6 मिनट में बहुत ही बढ़िया से चाशनी बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ अब चलिए डो को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर डो को मैं ट्रांसफ़र करूँगी चकले के ऊपर, और थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेंगे ताकि बिल्कुल हाथ में नहीं चिपके और ना ही चकले के ऊपर। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा मसल लेना है ताकि ये जो डो है ना और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मसलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हाथ से अच्छे से हम मसल कर डो बनाएंगे ना तो ये सॉफ्ट डो बनेगा, और जब हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो बिल्कुल फटेगा नहीं और ना ही चिपटा होगा। अगर गीला हो जाता है तो चिपटा हो जाता है, और टाइट रहता है तो फट जाता है। तो सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए हमारा ये डो बन गया है गुलाब जामुन के लिए, बहुत ही मक्खन के जैसे हमारा डो बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम शेप दे देते हैं गुलाब जामुन के। तो आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल लंबे। तो मैंने यहाँ पर लंबे लंबे ही गुलाब जामुन बनाकर तैयार किया है। तो पहले हम इस तरीके से लोई निकाल लेंगे छोटे छोटे। तो यहाँ पर देखिए मैंने और एक लोई को उठाकर और हाथ से दबाते हुए देखिए इस तरीके से हम शेप देंगे गुलाब जामुन का, देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से घर पे गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो देखिए एक मैंने बना लिया है, और जो बाकी है ना इसी तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा गुलाब जामुन का शेप। तो चलिए गुलाब जामुन का शेप जो हमने बनाया है वो फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही गैस पर पैन रख दिया था ऑयल डालकर। तो यहाँ पर हमको तेल को गर्म नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो ऊपर से लाल हो जाएगा, अंदर कांचा रह जाएगा, तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा गुलाब जामुन का। तो मैंने यहाँ पर देखिए सिर्फ गुनगुना ही किया है गुलाब जामुन के लिए तेल। तो यहाँ पर ऐसे ही हम अभी फ्राई होने देंगे, पलटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है ना तो टूट जाएगा। तो अभी हम ऐसे ही फ्राई होने देंगे, और जब तक ले हम जो सेकेंड बैच है ना उसे भी हम शेप देंगे गुलाब जामुन के। तो इस तरीके से ना समय की बचत होती है, समय ख़राब नहीं होता है।
तो यहाँ पर हम चम्मच की मदद से इस तरीके से हिला लेंगे, क्योंकि कलर आना शुरू हो गया है। देख सकते हैं गैस को लो फ्लेम पे मैंने करके रखा हुआ है। शुरू से लेकर आखिरी तक हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। थोड़ा सा समय लगता है गुलाब जामुन को फ्राई करने में, लेकिन बहुत ही टेस्टी घर का गुलाब जामुन बनकर तैयार होता है। मार्केट से भी बहुत ही टेस्टी घर पर गुलाब जामुन बन जाता है फ्रेंड्स, अभी ट्राई कीजिएगा। तो ये गुलाब जामुन बिल्कुल फेल होने की कोई चांस नहीं रहता है, बहुत ही अच्छा बनता है। आप फर्स्ट बार बनाएंगे ना तभी भी फेल नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा से मैंने फ्राई कर लिया है, अब हम निकाल लेते हैं। तो आप और डार्क कर आप चाहे तो काला जामुन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं गुलाब जामुन बनाया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाल लिया है, देखिए कलर कितना सुंदर आया हुआ है। और जो सेकेंड बैच है ना उसे भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से लो फ्लेम पे करके गैस को। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाशनी भी बना लिया है, और चाशनी को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल के अंदर, और इसमें हम डाल देंगे जो हमने फ्राई करके लिया है गुलाब जामुन। तो देखिए कितना सुंदर हमारा गुलाब जामुन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड बैच भी हमारा फ्राई हो गया है, तो मैंने ये भी डाल दिया है। तो देखिए फर्स्ट वाला कितना बड़ा हो गया है थोड़ी देर में ही, बहुत ही हमको सिर्फ 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। 2 घंटे में ही इतना स्पंजी गुलाब जामुन बनकर तैयार होगा कि पूछिए मत। तो देखिए कितना बड़े साइज दिख रहा है हमारा फर्स्ट वाला गुलाब जामुन। तो मैं क्या करूँगी, रख देती हूँ 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद आपसे फिर मिलती हूँ और आपको गुलाब जामुन का अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। 2 घंटे बीत चुका है फ्रेंड्स, तो चलिए गुलाब जामुन को देख लेते हैं। तो देखिए कितने बड़े बड़े साइज में हमारा गुलाब जामुन हो गया है, बिल्कुल भर गया है, ये जो बाउल है ना फुल हो चुका है। तो देखिए कितना स्पंजी हमारा गुलाब जामुन बना है। आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि गेहूं के आटा से अपने गुलाब जामुन बनाकर तैयार किया है, बहुत ही स्पंजी बहुत ही टेस्टी। तो देख आधी कटोरी गेहूं के आटा और आधी कटोरी मिल्क पाउडर से मैंने इतना सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार किया है फ्रेंड्स। तो आप भी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए कितना स्पंजी हमारा गुलाब जामुन है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। देखिए देखने में आपको पता चल रहा होगा कि कितना स्पंजी गुलाब जामुन बना है। तो ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही ये खाने में टेस्टी है फ्रेंड्स, और बनाना तो बहुत ही आसान है। देख सकते हैं कितना लजीज हमारा गुलाब जामुन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर ज़रा सा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।